हेलो दोस्तों, मैं बेना गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद बेना गौर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास टेंथ की पोइम ए टाइगर इन द जू इसको कंप्लीट करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें। इस पोएम में पोएट ने चिड़ियाघर में एक बाघ की दयनीय स्थिति को दिखाया है कि किस तरह से एक चिड़ियाघर में बाघ पिंजड़े में उपलब्ध कराए हुए वह उस सीमित स्थान पर ही चलता है और किस तरह से वह अपना जीवन उसमें व्यतीत करता है। तो चलते हैं पहले पैराग्राफ पर। ही स्टॉल्क इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ बेलवेट क्विट इन हिज क्विट रेज। सो यहाँ पोइट ये कहना चाहता है कि चिड़ियाघर में बाघ अपनी जो चमकीली विविड स्ट्रिप्स चमकीली त्वचा है उसके नीचे पिंजरे में घूमता रहता है और फ्यू स्टेप्स और उसका जगह रहने की जगह काफ़ी छोटी है और केवल कुछ कदम ही उसमें वह उठा सकता है। हालांकि चलना आसान नहीं है, वह अपने पैरों को भी नहीं सुन सकता क्योंकि वे काफ़ी नरम हैं, जैसे बेलवेट मखमल के जैसे, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती, क्विट एकदम शांत रहता है। और उस छोटी सी जगह में चलते हुए वह अपनी आवाज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और वह स्वतंत्र न होने के कारण नाराज है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। सो पोइट कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन इस शैडो, अगर वह फ्री होता तो क्या होता, वह जो धाराएं हैं, जल स्रोत हैं, उनके पीछे लंबी घास के शैडोज, मतलब लंबी घास के पीछे स्लाइडिंग थ्रू अपने आप को छुपा लेता और आसानी से किसी वाटर होल पानी के किनारे वह आसानी से अपने आप को छुपा लेता, जिससे कि वह क्या करता, शिकार के रूप में एक हिरण को पकड़ सकता। मींस जहाँ पर वह शिकार पकड़ सकता है और उसे खा सकता है, लेकिन पिंजरे में वह ऐसा नहीं कर सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैन हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। पोइट कहता है कि अगर बाघ यहाँ पर मुक्त हो जाता तो वह जंगल के बाहरी इलाकों में स्थित घरों के आसपास स्नार्लिंग सो जाता, वह अपने तेज दांतों और पंजों से लोगों को टेरराइज करता, उनमें डर पैदा करता और गांव के आसपास रहने वाले लोग जो थे वो क्या करते, उससे डर जाते। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स स्टॉल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन अब कभी उस बाघ की वास्तविकता पर आता है क्योंकि वह टाइगर जो है वो क्या है, पिंजरे में बंद है और वह एक मजबूत जेल में, एक पिंजरे में ही सीमित है। सिंस ही इज वह बिहाइंड द बार है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसकी क्रूरता वह भी पिंजरे में ही बंद है। सो वह कभी भी जो इग्नोरिंग द विजिटर्स है, जो आने वाले देखने वाले लोग हैं उनको कभी भी डराने की कोशिश
नहीं करता है क्योंकि उसकी शक्ति जो है पिंजड़े में बंद है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। पोइट बताता है कि रात में टाइगर पेट्रोलिंग कार जो रात में गश्त करती हैं ऐसी कार्स पर देखकर उन्हें उनकी आवाज़ सुनता है, उसकी आंखें चमक जाती हैं और उसके बाद वह चमकती हुई आंखों से सितारों को देखता है, आसमान में सितारों को देखता है और वह अपने विचारों को सही करने की कोशिश करता है। सो हियर एंड्स योर पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।